वैसे रहें, और साथ में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज सारी स्टेट्स को, सारे जिले के जितने भी डीएम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उनको ऑलरेडी जो उनकी ड्यूटीज का भी पार्ट है, और साथ में उनको एक स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट भी की जा चुकी है कि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जिसमें कि अब इन लोगों को भी हम समझ सकते हैं कि जो कि हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, बिकॉज दे मे हैव सम एप्रीहेंशंस, तो उनको स्पेसिफिक ध्यान रखा जाए। अच्छा, तीसरा शायद मुझे पूछा था चाइना से टेस्ट किट 5 से 7 मिनट में होने वाले, 2-3 चीज़ें बोलूँगा। टेस्ट किट्स के लिए चाइना ही नहीं, हर जगह पे हम टेस्ट किट्स मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना तो उसमें रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। अब दूसरा सवाल ये है कि 5 और 7 मिनट में होने वाले टेस्ट आप प्रोक्योर कर रहे हैं क्या? ये जो 5 और 7 मिनट की जो आप बात कर रहे हैं, वो PCR बेस्ड टेस्ट नहीं है, वो सीरोलॉजिक टेस्ट है। हम एंटीबॉडी ढूंढने की जब कोशिश करते हैं तो जल्दी हो सकते हैं। एंटीबॉडी की जो टेस्ट होती है वो हमको किसी को बीमारी हुई है क्या, ये देखने के लिए एंटीबॉडी आने को टाइम लगता है, तो वो पहली ऑफर की तो टेस्ट होती नहीं, इसलिए उसका एक लिमिटेड एप्लीकेशन वो आगे चल के आएगा। लेकिन उनके किट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं, वो भी हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई सप्लायर तैयार है क्या। इस तौर पे चाइना के पास सारे दुनिया की डिमांड ये डायग्नोस्टिक्स के लिए गई है, तो दे आर ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैव स्टॉक सफिशेंट इनफ टू प्रोवाइड इट टू अदर्स। सर, आयुष्मान फ्रॉम मिरर नाउ, माई क्वेश्चन इज टू मिस्टर अग्रवाल। सर, few days ago you had said about the probes which we had ordered from Germany, 1 million and WHO. What is the status of that, sir? And there are reports of some cases being detected from the clusters with no travel history. How you are containing it or preventing the community outbreak out there? So as far as probe is concerned, Dr. Sahib, if you can kindly respond, then I'll... Yeah, ye jo probe ka jo hisab hai, mujhe lagta hai आज उसमें के 5 लाख प्रोब शायद आ चुके होंगे, ऐसा मेरा अंदाज है, आज आना था। प्रोब के बारे में इतनी चिंता करना अभी हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन 3.4 मिलियन प्रोब्स के लिए ऑर्डर प्लेस की है, वो भी कभी तो भी सप्लाई होगी, उसमें थोड़े डिलेज हैं। जब भी अभी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उन्होंने डेट भी बोला, समझो मैं आज 27 तारीख को देता हूँ, तो 2-3 दिन आगे पीछे का हमको कैलकुलेशन करके रहना पड़ता है, लेकिन टेस्ट कम गिरेंगे ऐसी कोई हालत नहीं है। देखिए, जैसे आपने कहा है कि कुछ जगहों पर थोड़े ज़्यादा केसेस आए हैं, कल भी मैंने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कुछ पर्टिकुलर केसेज में आइदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिकॉशन बाय द पर्सन हु वॉज एक्चुअली हु हैड ए ट्रैवल हिस्ट्री और अदरवाइज, उनके आसपास के अगर कुछ लोग इन्फेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली उस प्रांत में, उस जगह में थोड़े केसेस ज़्यादा आएंगे, और इस टाइप के केसेस को मैनेज करने के लिए देर इज़ ए डिफाइंड प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसके तहत हम जहाँ पर भी केसेज आते हैं, वी आइडेंटिफाई कि उस केसेज का कंटेनमेंट जोन कौन सा एरिया होगा, हम उसको डिटेल एनालाइज करते हैं, हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स जाती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट की अंतर्गत काम करती हैं वो जाके उस कंटेनमेंट जोन को डिफाइन करती हैं, बफर जोन को डिफाइन करती हैं, और उस पूरे एरिया में स्पेशल टीम्स बनाई जाती हैं। जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और हेल्थ सेटअप के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जो जाकर उस पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वे करती हैं। सर्वे करने के बाद अगर वहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी इलनेस या कोई और इस टाइप के केसेस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर जिस टाइप का भी ट्रीटमेंट, जिस टाइप के केसेस पाए जाते हैं, उस पर एक डिटेल्ड एक्शन होता है, तो उसके तहत ही हम लोग काम करते हैं। हमारा पूरा एफर्ट हमेशा यह रहता है कि कहीं पर भी चाहे एक केस आए चाहे ज़्यादा नंबर केसेस आए, उस पर्टिकुलर एरिया में हमारे कंटेनमेंट एक्शन प्लान के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की चेयरमैनशिप में ये टीम्स ओवरऑल कोऑर्डिनेट करके उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को वहीं पर तोड़ने की कोशिश करें।